हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, हम करने वाले हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन चल रहा है, उसके ऊपर रीडिंग। देखेंगे आप दोनों के बीच में कब तक बात हो सकती है, कब तक रीयूनियन हो सकता है एंड जिस समय क्या बताना चाहते हैं। हम यहाँ पर दो डेक का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम मेजर अरकाना लेंगे, फिर हम टैरो डेक से देखेंगे। ओके, जब तक हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं, आपको अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करना है जिनके साथ आप रिलेशनशिप में, जिनके लिए आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं। एक जर्नल रीडिंग होगी, ठीक है। हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो, टाइमलेस होगी, तो जब भी आपके सामने आएंगे आप इस रीडिंग को देख सकेंगे। ये रीडिंग सभी राशियों के लिए, मेरी सभी रीडिंग सभी राशियों के लिए होती है। मैरिड, सिंगल, सेम जेंडर रिलेशनशिप सभी के लिए होती है और टाइमलेस होती है। ओके, जब तक हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं आपको बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, ठीक है। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिए। हमारे व्यूवर्स के बारे में उन्हें कॉल मैसेज कब तक कर सकते हैं। ओके, द हेरोफेंट, द सन। वाह, द चैरियट। ओके, तो यहाँ पर क्लियर है कि आपके पार्टनर से आपका रीयूनियन तो ज़रूर होगा। ओके, द लवर्स। इतने प्यारे कार्ड्स आए हैं, हम क्या क्लियर करें अभी। द हाई प्रिस्टेस, ठीक है। बॉटम में टेम्परेंस। आप दोनों ट्विन फ्लेम और सोलमेट जर्नी में हैं और ये जर्नी इजी तो बिल्कुल भी नहीं होती है। रीयूनियन डेफिनेटली आपका होगा, गॉड भी चाहते हैं। यहाँ पर राधा कृष्णा और शिव पार्वती हैं, तो इनकी तो ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के ऊपर। अब ऑब्स्टिकल्स आपके नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करेंगे, बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है। जब जहाँ पर गॉड की ब्लेसिंग साफ दिख रही हैं आपको अपने रिश्ते पर, वहीं आपको भी पॉजिटिव रहना है। ओके, ये कार्ड को रखेंगे हम यहाँ पर जिससे कि आप एकदम पॉजिटिव रहें। ओके, और मैनिफेस्ट करते रहें आप। ये कार्ड गिरना नहीं चाहिए, इसलिए हम इसको ठीक से रखते हैं। ओके, चलिए हम टैरो डेक से देखते हैं। हेरोफेंट के लिए देखते हैं कि हेरोफेंट क्यों दिया है एंजल्स ने। एंजल्स प्लीज़ बताएं, हेरोफेंट का कार्ड क्यों आया है। कब तक शादी करेंगे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स के साथ, क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, शादी का कमिटमेंट कब तक देंगे। सिक्स ऑफ कप्स, शादी का कमिटमेंट कब तक मिलेगा। आजकल मेरी रीडिंग में दूसरे चैनल पर भी टेम्परेंस और द लवर्स का कार्ड बहुत ज़्यादा आ रहा है। बहुत सारे लोगों का रीयूनियन होने वाला है और यहाँ पर तो बहुत सारी खूबसूरत एनर्जी। चैरियट का भी कार्ड है जो कि दिखाता है आपके पार्टनर बहुत जल्दी आपके पास वापस आएंगे। टेन ऑफ वांट्स, ओके ओके। यहाँ पर हम देखेंगे अब द सन का कार्ड क्यों आया है। जस्ट द सन का कार्ड क्यों आया है। ओके, कुछ तो है आपके पार्टनर की लाइफ में। द सन का कार्ड क्यों आया है। ओके 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 ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ओके, टू ऑफ वांड्स। अब देखते हैं चैरियट का कार्ड कब तक लौट कर आएंगे उनके पास मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। उनके पास
रीयूनियन करने कब तक आ सकते हैं, कब तक उनका रीयूनियन होगा? ओके हाँ वाह बहुत सारे लोग हैं, मन को शांति मिली है। हाँ ओके यहाँ पर है एट ऑफ कप्स, ठीक है। हम लोग यहाँ राधा कृष्णा के कार्ड को क्लियर नहीं करेंगे, ठीक है। हम देखेंगे अब द हाई प्रिस्टेस क्यों आए, हाई प्रिस्टेस क्यों आए, ठीक है। कौन सी एनर्जी है तो बीच में रुकावट डालती है? ओके वाओ, हाई प्रिस्टेस एक और कार्ड लेना है मुझे, व्हील ऑफ फॉर्चून। बॉटम में है द एम्परर। आप लोग अगर गुस्से में हैं, शिकायत के मूड में हैं अपने पार्टनर के साथ, अगर आपको उनकी कोई भी बात बहुत ज़्यादा हर्ट की है, आपके ईगो पे या सेल्फ रिस्पेक्ट पे आई है, तो उस चीज़ को फ़िलहाल आप लोग भूल जाएं, क्योंकि आपके पार्टनर भी कुछ ऐसी ही एनर्जी में हैं कि उन्हें भी आपकी कोई बात बुरी लगी है। तो अगर आप दोनों इसी एनर्जी में रहेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इसलिए आपको क्या करना है, फ़िलहाल आपको अपने मन को शांत करना है, अपने गुस्से को शांत करना है, ईगो को साइड कर देना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर से आपका वापस से रिश्ता शुरू हो जाए, तो आपको इसी एनर्जी में आना पड़ेगा, पॉजिटिव एनर्जी में। नेगेटिव नहीं होना है अपने पार्टनर को लेकर। अगर आपको उनकी कोई बात बुरी भी लगी है, तो शायद मैंने पहले भी आपको बताया था, रिश्ता अगर वापस से शुरू करना है आपको, तो आपको ये सब चीज़ें भूलनी रहेंगी। माना कि आपके पार्टनर ने बहुत गलत किया है, बिना कहे चले गए, अचानक से ब्लॉक कर दिया, लेकिन फिलहाल के लिए आपको अपने आप को शांत रखना पड़ेगा। ओके तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आया है द हेरोफेंट का कार्ड। ये दिखाता है आपकी लाइफ में बैलेंस आने वाला है, आपको अपने चक्रास को बैलेंस करने की ज़रूरत है। जो लोग जानते हैं सेवन चक्रास के बारे में, उन्हें पता है कि कितना ज़रूरी है चक्रास को बैलेंस करना, ठीक है। और इससे आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं, आपकी लाइफ में जो ब्लॉकेजेस हैं आपकी शादी में, आपके करियर में, वो सब चीज़ें दूर हो जाती हैं, ठीक है। आपके पार्टनर आपसे शादी तो करना ही चाहते हैं, ये क्लियर है। आगे होकर आपके पार्टनर आपको ऑफ़र करेंगे। जब हमने पूछा एंजल से कि हेरोफेंट का कार्ड क्यों आए, क्योंकि ये कार्ड शादी को दिखाता है। अगर आप मैरिड हैं तो आपके पार्टनर से डेफिनेटली आपको रीयूनियन ज़रूर होगा, लेकिन उसके लिए आपको अपने आप को पॉजिटिव करना होगा, अपने आप को बैलेंस में रखना होगा। अचानक से नेगेटिव हो जाना, अचानक से पॉजिटिव हो जाना, ऐसा नहीं, एक ही तरह से आपको रहना होगा, वो है पॉजिटिविटी, कि पॉजिटिव रहना होगा। जब भी आपके दिल दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आएँ, आपको एकदम पॉजिटिविटी की ही तरफ लेके जाना होगा अपने नेगेटिव थॉट्स को। अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर के साथ आपका रीयूनियन हो, शादी हो जाए, सबसे पहले अपने थॉट्स को कंट्रोल करना होगा आपको, ठीक है। आपके पार्टनर जो कमिटमेंट आप चाहते थे, डेफिनेटली वो शादी का ही था, तो आपके पार्टनर ज़रूर से आगे होकर आपको कमिटमेंट देंगे शादी का, रीयूनियन तो करेंगे। आपके पार्टनर के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हो सकता है उनकी फैमिली की जिम्मेदारियां उनके ऊपर हों। आपसे अलग होने के बाद आपके पार्टनर बर्डन फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया है अगर आप मैरिड थे कि उन्हें आपसे अलग नहीं होना चाहिए था। अगर आप सिंगल हैं तो शादी का कमिटमेंट देने के बाद भी उन्होंने जो आपसे दूरियां बनाई थी उसके बारे में सोच के अपना को बर्डन फील कर रहे हैं, इसलिए वापस आकर आपसे शादी करना चाहते हैं। आपको वापस शादी का ही कमिटमेंट ऑफर करेंगे, प्रपोज करेंगे आपको, ये अपना बर्डन दूर कर लेंगे। ओके सेकेंड हमारे पास आया द सन का कार्ड, जो ये दिखाता है आपके इस रिश्ते में नई शुरुआत तो होगी ही, रीयूनियन होगा आप दोनों का, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड ये बताता है हमें कि आप दोनों का रीयूनियन ज़रूर होगा। द लवर्स का कार्ड भी है हमारे पास, नए से शुरू होगा, पॉजिटिव होकर ही आपको एक्सेप्ट करनी है सारी चीज़ें, अपने आप के ऊपर ध्यान दें, सेल्फ लव करना शुरू करें। आज की रीडिंग में मैं बहुत सारी गाइडेंस दे रही हूँ, अगर आपको ठीक लगती है आप प्लीज़ उस सब चीज़ों को माने, ठीक है।
और नए से शुरुआत होगी, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, आपकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं ना वो कहीं ना कहीं जो ऑब्स्टिकल्स हैं, जो ब्लॉकेजेस हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे, आपकी लाइफ बैलेंस हो गया, आपके रिश्ते में नई शुरुआत होगी। आपके पार्टनर और आपके बीच में फैमिली को लेके कोई इशू था तो आपके पार्टनर ने अपने फैमिली से बात की है आपके रिश्ते को लेकर, भले से आप सेम जेंडर रिलेशनशिप में मैरिड हैं या सिंगल हैं, आपके पार्टनर आपकी तरफ ही बढ़ना चाहते हैं, ये उनकी फैमिली को पता लग गया है और आपके पार्टनर ने भी बता दिया है। वो आपको डेट करना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, बहुत दूर तक ये रिश्ता लेकर जाना चाहते हैं आपके साथ में। बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो मैरिड हैं लेकिन फिर भी ऑनलाइन किसी के साथ उनकी डेटिंग चल रही है, और जो सिंगल हैं उसमें से बहुत सारे लोग, बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो ऑनलाइन डेट किया है एक दूसरे को, शादी की कमिटमेंट उनको ऑनलाइन ही मिली है, एक दूसरे को वीडियो कॉल पर ही आप दोनों बात करते थे लेकिन अब आपके पार्टनर ने दूरियां बना के आपको वहां से सोशल मीडिया से ब्लॉक कर दिया है और आप अब तक उनका वेट कर रहे हैं, आमने सामने बहुत सारे लोग अभी तक नहीं मिले हैं एक दूसरे से। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे रीयूनियन का पूछा था, तो यहाँ पर बहुत सारे कार्ड जैसे हैं जो दिखाते हैं कि आपके पार्टनर से आपका रीयूनियन होगा, आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, अगर ब्लॉक कर दिया था या आपके साथ रिश्ता ख़त्म कर दिया था वो वापस से तो शुरू करेंगे इस रिश्ते को, वापस नई शुरुआत होगी बहुत पॉजिटिविटी के साथ में। जब हमने द चैरियट के कार्ड को, जो कि साफ दिखाता है रीयूनियन को, आपके पार्टनर को बहुत जल्दी आपकी तरफ बढ़ते हुए क्लियर किया था, फिर भी हमारे पास सिक्स ऑफ सोर्स का कार्ड आया था कि इस रिश्ते में कुछ तो ब्लॉकेजेस ऑब्स्टिकल्स है लेकिन उन सबको पार करते हुए आपके पार्टनर आपकी तरफ लौट कर ज़रूर आएंगे। आप सिंगल हो सकते हैं, मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि वो मैरिड पर्सन डिवोर्स लेकर आपके पास आए, और या फिर आप मैरिड हैं किसी सिंगल पर्सन से डील कर रहे हैं तो आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इस रिश्ते में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, उसको पार करके आप दोनों को जाना है आगे। एट ऑफ कप्स का कार्ड हमें ये दिखाता है कि आपके पार्टनर बहुत सारी चीज़ें, खुशियां छोड़कर आपके लिए सैक्रिफाइस करेंगे और आपकी तरफ बढ़ेंगे। ओके, यहाँ पर द लवर्स का कार्ड है, इसके लिए तो क्या ही कहें, कार्ड यहाँ पर राधा कृष्णा का कार्ड है, तो दिखाता है हमें कि आप दोनों के बीच में आने वाले समय में बहुत ज़्यादा प्यार होगा, रीयूनियन होगा और आप दोनों एक साथ होंगे। ओके, नेक्स्ट कार्ड हमारे पास द हाई प्रिस्टेस था, जो दिखाते हैं आपके भी थॉट्स कभी कभी नेगेटिव हो जाते हैं, आपके पार्टनर के भी थॉट्स नेगेटिव हो जाते हैं। ये कार्ड जब भी आता है मैं सभी को एक ही गाइडेंस देती हूँ, आपको मैनिफेस्टेशन करना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक यूज़ करनी है, अपने नेगेटिव थॉट्स को, जिसे कि आप समझते हैं कि कोई थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, उसको आप इतना ज़्यादा सोचते हैं कि आपके और थर्ड पार्टी के बीच में दूरियां होने की जगह नज़दीक ले आते हैं, कौन से थॉट्स आप अनजाने में ही उन दोनों को मैनिफेस्ट करते हैं और उन दोनों को नज़दीक ले आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर की लाइफ से और आपकी लाइफ से ये पर्सन चला जाए, ये डेविल एनर्जी चली जाए, कुछ तो होता है इस कार्ड में, देखिए, ठीक है, फिर तो आपको अपने थॉट्स को इसी तरह से रखना होगा कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में तो प्यार है और आपके पार्टनर और जो थर्ड पार्टी है वो दोनों हमेशा के लिए दूर हो गए, ये चीज़ आपको मैनिफेस्ट करनी है। आपके पार्टनर आपकी तरफ आने के लिए डिसाइड, जब हमने ये कार्ड क्लियर किया कि ये कार्ड क्यों आया है, क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, तो ये कार्ड ये दिखाता है आप दोनों के बीच में जो डेविल एनर्जी है उसको, लेकिन इस सब से निकल कर आपके पार्टनर कमिटमेंट आपको देने के लिए सोच चुके हैं, इसलिए आपको थर्ड पार्टी को मैनिफेस्ट नहीं करना है, जो कि आप लोग बहुत ज़्यादा करते हैं मेरे लाख समझाने के बावजूद भी। आपको सोचना ही नहीं है, आपको सोचना ही नहीं है थर्ड पार्टी कौन है क्या है, आपको सोचना है थर्ड पार्टी से निकल कर मेरा पर्सन मेरे पास ही है, थर्ड पार्टी के उसके बीच में आप लोग सोचते हैं कि थर्ड पार्टी के साथ आए वो कितना खुश है, तो वो झगड़ा भी हुआ होगा तो वो दोनों खुश हो जाएंगे। आपके पार्टनर कमिटमेंट आपको देने के लिए बिल्कुल डिसाइड कर चुके हैं, ठीक है, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। द सन का भी कार्ड है मेजर अरकाना से, टैरो से हमारे पास द स्टार का कार्ड है, वो जानते हैं कि आप उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आते हैं, आपको जितना प्यार उन्हें कोई भी नहीं कर सकता, ये कार्मिक साइकिल चल रहा है, ये बहुत जल्दी एंड हो जाएगा आप दोनों के ही बीच में, मुझे लग रहा है आप दोनों की अवेकनिंग चल रही है, एक सर्कल है जो कार्मिक होता है, जो एक टाइम के लिए होता है, वो जैसे ही पूरा होगा आपका रीयूनियन ज़रूर होगा। बहुत ही प्यारे कार्ड्स दिए हैं और सबसे ज़्यादा प्यारे कार्ड्स हैं टेम्परेंस और द लवर्स, ये कार्ड्स दिखाते हैं कि डेफिनेटली आप दोनों का रीयूनियन होगा, गॉड चाहता है, जितना आपने सब्र किया है, जितने पैशंस रखे हैं, उसका रिजल्ट आपको बहुत जल्दी मिलेगा और आपके पार्टनर से आपका रीयूनियन बहुत ज़रूर से होगा। तो कैसी लगी आपको आज की रीडिंग, कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा, ठीक है। रीडिंग पसंद आई हो तो अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, सेल्फ लव करना है, नेगेटिव नहीं होना, पॉजिटिव रहना है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे जीमेल पर मेल कर सकते हैं, जीमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, बाय बाय।